नमस्कार, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमारी ऑफिस से आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कपल्स को जो कि अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि हम लोग अगर कोर्ट मैरिज करने घर से अगर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आज मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें कि आपको इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी आपको इसमें मिल पाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कि एक बहुत कॉमन सी बात है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और आप सभी लोगों का दोबारा जानना बहुत जरूरी है, कि जो कोर्ट मैरिज करने की जो एज है वो लड़के की कम से कम 21 साल और लड़की जो गर्ल है उसकी कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए। उससे एक भी दिन अगर कम होगा तो वो मैरिज करने के लिए योग्य नहीं है। अब दूसरी चीज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने अगर आप अपने घर से जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप लोग बालिग हो चुके हैं या नहीं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, आप घर से निकलने से पहले आप जरूर जरूर आप चेक करें कि आप बालिग हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप दोनों लोग बालिग अगर हो चुके हैं तभी आप यहां पर आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो तीसरी चीज आती है वो ये है कि आप लोगों के पास में जो कपल्स हैं, लड़का और लड़की, आपके पास में आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ, दोनों के आपके आधार कार्ड, दोनों का आपका एज प्रूफ जो आयु का प्रमाण पत्र होता है वो जरूर होना चाहिए, और आयु के प्रमाण पत्र में आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या आपका पासपोर्ट या फिर आपका जो है पैन कार्ड, ये आप अपने एज प्रूफ में आप लेके आ सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये आती है कि अब आप मैरिज करने के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि जो आप वीडियोस अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर वीडियो बनाने वाला एडवोकेट है और वो आपको सही ही सलाह आपको दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवोकेट नहीं है लेकिन वो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग उनको समझ लेते हैं कि शायद वो एडवोकेट हैं, लेकिन जब आप उनके पास में जाते हैं तो पता चलता है कि आप लोग गलती से उनके पास चले गए, वो एडवोकेट नहीं है। और कभी कभी आप जैसे जो कपल होते हैं, जो भोले वाले कपल होते हैं, वो एक ठगी का शिकार हो जाते हैं कि उनको जो है गलत सर्टिफिकेट ऐसे लोग इशू कर दिया करते हैं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पर भी अगर आप मैरिज करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जरूर देख लीजिए कि आप सही जगह जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर ही आप जा रहे हैं और आप एडवोकेट के पास ही आप जा रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं आपको ये पूरी तरह भरोसा और पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पूरी जीवन का, जो आपका पूरा जीवन है, आप अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आप अपने घर से निकले हैं, तो कम से कम आप लोगों को ये पूरी तरह भरोसा होना चाहिए कि अगर आप कहीं पर जाएं तो वो बिल्कुल सही जगह हो, आप सही कोर्ट में जाएं, सही व्यक्ति के पास आप मैरिज करने जाएं और आपका काम जेन्युइन हो। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दोस्तों ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये सावधानी आप जरूर रखें अपने घर से निकलने से पहले। और तीसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि जैसा ये हमारा कोर्ट मैरिज ऑफिस है और आप सभी लोगों का भरोसा और आपका प्यार और आपका विश्वास जो हमारे ऊपर पिछले 12 वर्षों से जो हमारा बना हुआ है, तो दोस्तों उसी विश्वास को आगे लेकर, उसी आपके प्यार को आगे लेकर जो हम बढ़ रहे हैं, तो आज उसका परिणाम यही है कि कोर्ट मैरिज ऑफिस आज एक नंबर वन, एक उन्नति के एक नए शिखर की ओर अग्रसर है, जिससे कि हमारे इस कोर्ट मैरिज ऑफिस में जो भी कपल्स अगर मैरिज करने आते हैं और उन्होंने अगर हमारे कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर अगर भरोसा दिखाया है, तो हमारी इस कोर्ट मैरिज ऑफिस की उन्नति में आप लोगों का भी, आप कपल्स का भी पूरा पूरा योगदान है, जिसका कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कोर्ट मैरिज करने के लिए कि आप कहीं पर भी किसी को भी आप बुकिंग के नाम पर कोई एडवांस पेमेंट या कहीं पर आप कोई किसी को पहले पैसे, अगर कोई पहले कोई व्यक्ति अगर आपसे पैसे मांगता है कि हम आपकी मैरिज करा देंगे, आप हमसे रसीद कटवा लो या आप हमें पहले पैसे दे दो, तो आप ऐसा कभी ना करें। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए, कभी भी किसी को पहले पैसे आप कोई ना दें। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज ऑफिस में कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कपल से कोई एडवांस पेमेंट नहीं ली जाती है, कोई किसी बुकिंग के नाम पर या कभी भी कोई पहले पैसा आप लोगों से हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है।
और उसका रीजन यही है कि हम खुद ये मानते हैं कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने, अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप आ रहे हैं, तो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक यहाँ पर आपका काम शुरू नहीं किया जाता है। और लेकिन जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद आप बोलते हैं कि सर अब हम आपसे संतुष्ट हैं, अब आप हमारा काम शुरू करवाइए, तभी हमारे कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर हमारी टीम, हमारा स्टाफ, वो सब आपके कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया फिर शुरू करवाते हैं। तो इसी के साथ में आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल करने का समय दोबारा मैं आपको दोस्तों दोबारा बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ही आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में और ऐसे कपल्स के साथ जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि सही जगह कैसे जाएं, तो ये वीडियो आप ऐसे लोगों के साथ में आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी और वो लोग भी सही जगह मैरिज करने के लिए जा पाएंगे। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब इसे कर लेंगे तो आप भविष्य में मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप आराम से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।